Hi guys, I'm Suti from eVidyarthi. और इस session में हम करेंगे class 11 chapter accounting equation का illustration number 2. ये है page number 5.6 पे. इस illustration का special point ये है कि अभी तक जो हमने काम किया यानी illustration 1 में हमने सीखा था कि assets, capital और liabilities होती है तो हम कैसे treat करते हैं. इस illustration यानी illustration 2 में हम देखेंगे कि अगर income and expenses वाला case होता है यानी अगर क्वेश्चन में इनकम और एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बना रही है, हमने उसका एक फॉर्मेट बना रखा है ट्रांजैक्शन, जो हम ट्रांजैक्शंस लिखेंगे. असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है. स्टार्टेड बिजनेस, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000. तो बिजनेस को स्टार्ट करा कैश से 70,000 रुपीज से. तो कैश इंक्रीज हुआ और कैपिटल इंक्रीज हुई क्योंकि ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे हैं, वो हमारी कैपिटल होती है. तो कैश एक असेट है तो असेट इंक्रीज हो जाएंगे और कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. ट्रांजैक्शन लिखेंगे, फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. असेट्स इंक्रीज होंगे 70,000 रुपीज के. लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी अगेन 70,000 रुपीज से. ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन. सेकेंड देखते हैं, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स रुपीज 18,000. तो हमने गुड्स परचेज करी है क्रेडिट पे 18,000 रुपीज की. अब गुड्स एक असेट से गुड्स परचेज करी है, गुड्स इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमारे असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं. और हमने क्रेडिट पे परचेज करी यानी हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं. क्रेडिटर्स हमारी एक लाइबिलिटी होते हैं, हमारी एक ऑब्लिगेशन होता है जिन्हें हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है. तो ये हमारी एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट पे परचेज की वजह से. तो सेकेंड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड. अमाउंट है 18,000, असेट्स इंक्रीज होंगे और लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है. कैपिटल में कोई चेंज नहीं है तो नेगेटिव जीरो आ जाएगा. अब हम इसका नेट इफेक्ट देखते हैं. असेट्स का टोटल कितना आ रहा है, 70,000 प्लस 18,000 88,000. और हमारी लायबिलिटीज का बैलेंस आ रहा है 18,000. कैपिटल साइड आ रही है 70,000 रुपीज की. सो अब हमारी देखते हैं कि न्यू इक्वेशन जो बनी वो बैलेंस हो रही है या नहीं. असेट्स 88,000 के हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास लायबिलिटीज है 18,000 की प्लस 70,000 की कैपिटल, यानी टोटल आ जाएगा 88,000. यानी हमारी दोनों साइड्स बैलेंस हो रही है, इक्वल है. अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. ये हमने न्यू इक्वेशन लिख दी, अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे. थर्ड ट्रांजैक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ 17,500. तो हमने क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट में पेमेंट करी है 17,500 की. फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि जितना अमाउंट ड्यू है उससे कम पे किया बट उसका रिमेनिंग अमाउंट हमें पे नहीं करना है. इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिल गया है. मान लो हमारे 1000 रुपीज ड्यू थे बट हमने पेमेंट करी 900 की. इतना ड्यू था इतना हमने पे कर दिया 900 रुपीज. बैलेंस के जो 100 रुपीज है वो अब हमें पे नहीं करनी है. जो हमारा क्रेडिटर है वो 900 रुपीज में ही मान गया, उसने कहा कि आप बाकी के 100 रुपए पे मत करो. तो ये जो 100 रुपीज है ये हमारा डिस्काउंट हो जाता है. जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम उसे बोलते हैं पेमेंट इन फुल सेटलमेंट. क्लियर?
सो अब इस वाले ट्रांजैक्शन में यानी हमारे थर्ड ट्रांजैक्शन में हमें बोला है कि हमने क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट में पे करा 17,500 रुपीज और हमारे क्रेडिटर्स थे कितने के 18,000 रुपीज के। हमारी लाइबिलिटीज में हमने क्रेडिटर्स लिख रखे थे 18,000 रुपीज के, तो 18,000 के क्रेडिटर्स थे, 17,500 का उन्हें पेमेंट कर दिया यानी 500 का हमें डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए एक इनकम है। तो इस इनकम को कैसे ट्रीट करेंगे, जितने भी इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट्स और गेन्स या लॉसेस होते हैं वो सारे हम ट्रीट करेंगे कैपिटल में। इनकम हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेगी और एक्सपेंसेस क्योंकि वो पेमेंट्स होते हैं एक्सपेंसेस हमारी कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, वैसे ही प्रॉफिट्स जो होते हैं वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेंगे और लॉसेस हमारी कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। क्योंकि ये इनकम है तो इसकी वजह से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी यानी 500 रुपीस की जो इनकम है उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं क्या होगा। एक तो 17,500 हमने पे करे यानी हमारा कैश रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हमने कैश में पेमेंट करी है, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है यानी अब वो हमारे क्रेडिटर्स नहीं रह गए क्योंकि हमने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, उन्हें पेमेंट कर दिया, तो हमारे क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए यानी हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी डिस्काउंट के अमाउंट से। तो तीन काम होंगे, एक तो कैश डिक्रीज होगा क्योंकि पेमेंट करी है कैश में, लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी और हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो इन तीनों चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन है पेमेंट टू क्रेडिटर, इसमें से लेस कर देंगे जितना हमने पेमेंट करा है यानी हमारे 17,500 रुपीज। लाइबिलिटीज रिड्यूस हो गई, क्रेडिटर्स हमारे पूरे रिड्यूस हो गए यानी फुल सेटलमेंट में पेमेंट हुआ है तो हमारे सारे के सारे क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए। क्रेडिटर्स ने हमारे पूरे 18,000 रुपए माफ कर दिए भले ही हमने पेमेंट उन्हें 17,500 की करी है। और जो ये लेस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, जो हमारी कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी कितने अमाउंट से, 500 यानी जो हमारी इनकम का अमाउंट था उस अमाउंट से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब इसका नेट इफेक्ट देखते हैं, 18,000 में से 17,500 हम लेस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 70,500। 18,000 में से 18,000 लेस करें 0 और ये आ जाएगा हमारे पास 70,500, 70,000 प्लस 500। तो अब आप देख सकते हैं कि नेट इफेक्ट सेम है, असेट साइड इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, दोनों साइड का बैलेंस 70,500 है। ये है हमारी न्यू इक्वेशन। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन यानी फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। तो हमने एक मशीनरी खरीदी है कैश में, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी, मशीनरी एक असेट है यानी एक असेट इंक्रीज हो जाएगा और क्योंकि हमने कैश में पेमेंट करा है तो हमारा कैश रिड्यूस हो जाएगा, कैश एक असेट है यानी एक असेट रिड्यूस हो जाएगा। तो एक असेट इंक्रीज हो रहा है जो कि मशीनरी है और एक असेट डिक्रीज हो रहा है जो एक कैश है। तो देखते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, तो हमारी मशीनरी इंक्रीज हुई है अमाउंट 20,000 और हमारा कैश रिड्यूस हो रहा है तो हम उसे भी लेस कर देंगे 20,000 रुपीज से। अब हम देखते हैं इसका अगेन नेट इफेक्ट। ये हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन था, 70,500 में 20,000 प्लस और 20,000 माइनस करेंगे नेट इफेक्ट निल हो जाएगा यानी इसका टोटल आ जाएगा 70,500।
लाइबिलिटीज तो जीरो ही है, कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं आया, तो ये कैपिटल का टोटल आ जाएगा हमारा 70,500। ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन, यानी हमारी न्यू इक्वेशन। सो ये थे हमारे सारे ट्रांजैक्शंस। सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हमारा नेट इफेक्ट दोनों साइड्स का, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का, सेम आ रहा है। यही होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमने क्या करा इस सेशन में, इस इलस्ट्रेशन में हमने सीखा कि अगर इनकम और एक्सपेंसेस दिए होते तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो कैपिटल में एडजस्ट होंगे। क्लियर? तो ये थे हमारे सारे ट्रांजैक्शन। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। एंड स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।